नरसिंहपुर जिले के प्रमुख शहर करेली में कांग्रेसियों के द्वारा रामधुन यात्रा निकाली और भगवान श्री राम के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई, क्योंकि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों के द्वारा भगवा रंग का कपड़ा जलाए जाने का हिंदूवादी संगठन ने तीखा विरोध किया है। बुधवार को सुबह से ही पूरी कांग्रेस सड़क पर दिखाई दी और निर्धारित समय पर नगर की प्रमुख सड़क पर रामधुन यात्रा निकाली गई। बाद में यहां आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर में विशेष पूजा की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान भगवा वस्त्र को जलाए जाने को लेकर कांग्रेस नेता बोले कि ये सब राजनैतिक है। करेली धार्मिक नगरी होने के साथ संपूर्ण जिला शांत और समरसता से भरा है, जिसकी सौहार्दपूर्ण फिजा बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। धर्म के प्रति हमारी भी आस्था है, ये बताने की जरूरत नहीं, और हम कभी अपने धर्म के प्रति गलत नहीं सोचते और ना ही ऐसा करने वालों को कभी बख्शेंगे। सफाई देते हुए कहा गया कि किसी कार्यकर्ता ने अपना विरोध प्रकट करने गले में डाला हुआ गमछा जला दिया, जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है और वातावरण अशांत किया जा रहा है। धर्म को मानने वाले लोग हैं हम, कोई हिंदू विरोधी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बोल रहे हैं कि इन्होंने गमछा जलाया है, तो ये गलत बात है। कि हम लोग कल जो है भाजपा के द्वारा कहा गया था कि इन्होंने भगवा जो है झंडे को जलाया, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का पुतला जला रहे थे, और पुतला जलाने के लिए पुलिस जो है बार बार पुतला को छुड़ा के जो है रोक रही थी। उस स्थिति में किसी कार्यकर्ता के द्वारा गमछा निकाल के जलाया गया और उस बात का तूल बनाया गया भाजपा के आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा।